बीजेपी जिला महामंत्री की शिकायत पर पूर्व सीएम और कांग्रेस के दो विधायकों पर विजयपुर थाने में हुआ मामला दर्ज। बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के 6 वर्ष पुराने वायरल वीडियो के साथ काटछाट कर अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर शेयर करने पर अब बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बीजेपी के जिला महामंत्री अरविंद जाधव द्वारा विजयपुर थाने में एक शिकायती आवेदन देकर बताया गया कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उपनेता हेमंत कटारी ने उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रामनिवास रावत के खिलाफ उनकी छवि बिगाड़ने के सुनियोजित ढंग से उनकी 6 वर्ष पुराने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स ट्विटर हैंडल पर अपलोड की है, जिसमें कराहल ब्लॉक के पहला ग्राम में जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने इनका विरोध किया, मगर वह वीडियो बहुत पुरानी है। तब रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, अब उनकी वीडियो वायरल करना चुनाव के दौरान उनकी छवि बिगाड़ना है और आचार संहिता का उल्लंघन भी है, क्योंकि अभी ऐसी कोई भी विवादित वीडियो अपलोड करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए इन कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। इस पर से थाना प्रभारी ने अरविंद जादून की शिकायत पर कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे पर BNS की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया है। विजयपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की।